राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या टीएमसी सब श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो ममता बनर्जी को महिला आरक्षण की माता करार दे दिया। इससे पहले सोनिया गांधी ने इस बिल को राजीव गांधी का सपना बताया था। तब जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज का नाम लिया था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सभी जानते हैं, लेकिन गीता मुखर्जी इस बिल से कैसी जुड़ी है, वो कौन है, बीजेपी ने उनका नाम क्यों उछाला, आइए जानते हैं। स्वर्गीय गीता मुखर्जी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक संकल्पित महिला थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक संसद और विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, तब तक सशक्तिकरण हासिल नहीं किया जा सकता। महिला आरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने में गीता मुखर्जी की अहम भूमिका थी। उन्हें इस बिल का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति ने 1996 के महिला आरक्षण विधेयक की जांच की और उससे जुड़ी 7 सिफारिशें पेश की थी। इनमें से 5 को 2008 के महिला आरक्षण बिल में शामिल किया गया था। गीता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के तत्कालीन अविभाजित मिदनापुर जिले के पंचकुरा लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुनी गयी। परिसीमन के बाद इस सीट का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। इससे पहले वो 1967 से 1977 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी थी। सीपीआई नेता गीता मुखर्जी पहली सांसद थी जिन्होंने सितंबर 1996 में संसदीय और विधायी सीटों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की थी। महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए गीता मुखर्जी प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आई थी। उन्होंने 12 सितंबर 1996 को सदन के पटल पर प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया था और यहीं से हुई थी महिला आरक्षण के मुद्दे की असली शुरुआत। उस ऐतिहासिक दिन के लगभग 27 साल बाद यानी कि 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक को सदन में पेश किया गया और इस बार इसके पास होने की पूरी संभावना है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता की छोटी बहन और फेमस कम्युनिस्ट नेता विश्वनाथ मुखर्जी की पत्नी गीता मुखर्जी बेहद सरल जीवन शैली के लिए जानी जाती थी। वो दिल्ली और हावड़ा के बीच यात्रा करने के लिए स्लीपर क्लास में ही सफर करना पसंद करती थी। एक सांसद के रूप में उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति, SC/ST के कल्याण पर समिति और आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 1980 पर संयुक्त समिति का हिस्सा भी थे।